हेलो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिविज्म इन मैथमेटिक्स के एग्जांपल की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों की गुणा और केस है जब दो पूर्णांक धनात्मक हों। यानी कि आज हम दो धनात्मक पूर्णांकों की गुणा के लिए नियम को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जा सकता है अपनी टीचिंग लर्निंग के दौरान, ये जानेंगे। तो टॉपिक आपका है पूर्णांकों की गुणा जबकि दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं और टीचिंग एड इंटीजर टाइल्स यूज़ करेंगे। और प्रीवियस नॉलेज जैसे कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ब्लू टाइल्स का यूज़ किया जाता है और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए रेड टाइल का यूज़ किया जाता है। और इन कोई भी रूल फॉर्मुलेट करने के लिए किसी एक एग्जांपल के आधार पर कभी भी रूल फॉर्मुलेट नहीं किया जाता, इसके लिए हमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स लेने होंगे। तो इसके लिए हम तीन एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, पहले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है +3 और +4 को मल्टीप्लाई करना है। दूसरे क्वेश्चन में +2 और +3, इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को +2 और +3 इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। तीसरे क्वेश्चन में दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं +4 और +2, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। अब इन क्वेश्चंस को हम इंटीजर टाइल की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका +3 और +4 को मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हम इसका कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन देखें, इसकी अवधारणात्मक वर्णन करें, अगर आप रिलेट करें 3 × 4, तो 3 × 4 इसका मतलब क्या होता है कि 4 को 3 बार ऐड करिए या 3 को 4 बार ऐड करिए, रिपीटेटिव एडिशन। तो इसी के बेस पे हमारा एक इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि फॉर्म 3 groups of +4, और इसी को हम इंटीजर टाइल्स की फॉर्म में ये कह सकते हैं 3 groups of 4 blue tiles। और इसी तरह से दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका ये निकलता है कि फॉर्म 4 groups of +3, दैट इज 4 groups of 3 blue tiles, यानी कि 3 blue tile के 4 group बनाइए। तो पहले वाले इंटरप्रिटेशन को लेते हैं और फिर बाद में हम दूसरे वाले इंटरप्रिटेशन को लेंगे, और दोनों बार आप जानते हैं कि आंसर सेम आएंगे। पहले इंटरप्रिटेशन को अरेंज करके देखते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन है आपका कि 4 को 3 बार +4 को 3 बार ऐड करिए, यानी कि फॉर्म 3 groups of +4 या 3 groups of 4 integer tiles, 4 blue integer tiles, तो वी विल फॉर्म 3 groups। आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप लिया हमने, लिया इसमें 4 blue tiles हैं, दूसरा ग्रुप लिया इसमें भी 4 blue tiles हैं, तीसरा ग्रुप लिया इसमें भी 4 blue tiles हैं। तो इस तरह से तीनों ग्रुप्स में कुल मिलाकर हमारे पास कितनी इंटीजर टाइल्स हुई, 12 blue integer tiles हुए, इसलिए हमारा आंसर हुआ +12। अब इसी क्वेश्चन के हम दूसरे इंटरप्रिटेशन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन था आपका +3 को 4 बार ऐड करिए, यानी कि +3 के 4 group बनाइए, यानी कि 3 blue tiles के 4 group बनाइए। तो हम 3 blue tiles का 1 group, 3 blue tiles का 2 group, 3 blue tiles का 3 group, 3 blue tiles का 4 group। इन चारों ग्रुप्स में अगेन आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास कुल कितनी ब्लू टाइल्स हुई, 12, और अगेन हमारा आंसर हुआ +4, 12। तो चाहे हम कोई सा भी एक इंटरप्रिटेशन भी ले सकते हैं और किसी भी इंटरप्रिटेशन से सॉल्व करके देखें, तो हर कंडीशन में इसका आंसर +12 ही आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हमें मल्टीप्लाई करना है +2 और +3 को, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। पहला इंटरप्रिटेशन हुआ आपका फॉर्म 2 groups of +3, दैट इज फॉर्म 2 groups of 3 blue tiles, 3 blue tile के 2 group बनाइए, 3 blue tile के 2 group। और दूसरा इंटरप्रिटेशन यदि हम
इंटरचेंज करें तो दूसरा इंटरप्रिटेशन आपका हुआ थ्री ग्रुप्स ऑफ प्लस टू, दैट इज़ दो ब्लू टाइल के तीन ग्रुप्स बनाइए। पहले इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करके देखते हैं। दो ग्रुप हमने बनाए थ्री ब्लू टाइल्स के, और इस तरीके से हमें कुल ब्लू टाइल्स मिली सिक्स, तो आंसर हमारा हुआ प्लस सिक्स। दूसरे इंटरप्रिटेशन से भी आपको यही आंसर मिलेगा। दूसरे इंटरप्रिटेशन में आपका क्या है, तीन ग्रुप बनाने हैं दो ब्लू टाइल के, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और तीनों ग्रुप्स में कुल ब्लू टाइल्स हुई आपकी सिक्स, यानी कि आंसर हुआ प्लस सिक्स। तो यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो आपका था प्लस टू और प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करने का, तो किसी भी इंटरप्रिटेशन से आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर दोनों कंडीशंस में आपका आंसर आ रहा है प्लस सिक्स। यहाँ पे हमने अभी तक किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी नियम का यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, रिपीटेटिव एडिशन का या समूहीकरण का, ग्रुपिंग का, उस कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया। इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्लस टू फोर और प्लस टू को मल्टीप्लाई करिए। इसका कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रिटेशन हुआ फॉर्म फोर ग्रुप्स ऑफ प्लस टू, यानी कि दो ब्लू टाइल के चार ग्रुप बनाइए। दूसरा इंटरप्रिटेशन हुआ आपका फॉर्म टू ग्रुप्स ऑफ प्लस फोर, यानी कि फोर ब्लू टाइल्स के दो ग्रुप बनाइए। पहले इंटरप्रिटेशन को यदि सॉल्व करें तो फोर ग्रुप्स ऑफ टू, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, और कुल आपके पास इंटीजर टाइल्स हुई कितने, कुल आपके पास इंटीजर टाइल्स हुई आठ, यानी कि आंसर हुआ प्लस एट। दूसरे इंटरप्रिटेशन से इसे सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे इंटरप्रिटेशन से जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, फोर टू ग्रुप्स ऑफ फोर ब्लू टाइल्स, यदि हम फोर ब्लू टाइल्स के दो ग्रुप बना रहे हैं तो फिर अगेन हमें आंसर मिल रहा है प्लस एट। दोनों इंटरप्रिटेशन से जब हमने प्लस फोर और प्लस टू को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला प्लस एट। अब इन तीनों आंसर्स का, तीनों क्वेश्चंस के आंसर का हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस की प्रक्रिया में पहला प्रॉब्लम थी आपकी प्लस थ्री मल्टीप्लाई प्लस फोर, आंसर मिला आपको प्लस ट्वेल्व। दूसरा क्वेश्चन था प्लस टू मल्टीप्लाई प्लस थ्री, आंसर मिला प्लस सिक्स। तीसरा क्वेश्चन था प्लस फोर मल्टीप्लाई प्लस टू, और आंसर मिला आपको प्लस एट। तो तीनों क्वेश्चंस में ही आप देख रहे हैं, यदि लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो मल्टीप्लाई किए गए हैं दो धनात्मक पूर्णांक, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया गया है। यदि आप राइट हैंड साइड को देखें तो गुणा करने पे जो आंसर मिल रहा है वो भी हर केस में आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है, धनात्मक पूर्णांक ही मिल रहा है। तो इसके आधार पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। तो ये तो था कि किस टाइप का पूर्णांक मिलता है, अब उसकी वैल्यू क्या होगी इस पूर्णांक की, उसके लिए फिर से हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। दोबारा से क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यदि हम देखें और थोड़ी देर के लिए हम साइन को भूल जाएं और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर करें, तो पहले क्वेश्चन में आपकी प्लस थ्री की न्यूमेरिकल वैल्यू तीन, प्लस फोर की न्यूमेरिकल वैल्यू फोर, और आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू ट्वेल्व, और तीन चार और बारह में रिलेशन क्या है, तीन को चार से मल्टीप्लाई करें या चार को तीन से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आपका आता है ट्वेल्व, यानी कि थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आप पाएंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या रिलेशनशिप है, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तीसरे क्वेश्चन में आप पाएंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज फोर टू और एट में क्या रिलेशन है, फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट। तो इसके आधार पर हम दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं और दूसरा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ये है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में गुणा किया जाता है तो जो आंसर में पूर्णांक मिलेगा उसकी जो वैल्यू है, उसका जो संख्यात्मक मान है, वो क्वेश्चन में दिए गए पूर्णांकों के न्यूमेरिकल वैल्यू की गुणा के बराबर होगा। अब दो निष्कर्षों को हम कंबाइन कर देते हैं।
कंबाइन करने पे आपका कंबाइन निष्कर्ष निकलता है कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है, पहला निष्कर्ष, तो हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है, और दूसरा निष्कर्ष कि संख्यात्मक मान, उत्तर का संख्यात्मक मान प्रश्न में दिए गए पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों की गुणा के बराबर होता है। अब ये आपका नियम फॉर्मुलेट हो गया। अब इस नियम का यूज़ हम कर सकते हैं जिनके संख्यात्मक मान ज़्यादा होते हैं उन वैल्यूज़ को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार हैं, क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप जो नियम अभी आपने ड्राइव किया है उसके आधार पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्लस 10 और प्लस 24 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों इंटीजर्स आपके पॉजिटिव हैं तो आंसर में भी आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, और जो आंसर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू के गुणा के बराबर होगी। इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा प्लस 240। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने आंसर्स की आप जांच कर लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो ठीक हैं या नहीं। आंसर्स इस प्रकार हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप टू पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से बच्चों के द्वारा रूल्स का निर्माण करा सकते हैं। यदि आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो बच्चा खुद ही उस रूल को ड्राइव कर सकता है। थैंक्स अ लॉट।